अपना भाई ट्रक ने सामने वाले को बचा लिया, पीछे वाले ने मुझे टोक दिया। देखो ऊपर ट्रक खड़ा है, दिख रहा है आपको? यहाँ का काम अगर चालू हुआ ना तो ट्रैफिक यहाँ पे इतना लग जाएगा, ऊपर से अगर दो गाड़ी निकलती है तो तीसरी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि टू लाइन ब्रिज है, ये फोर लाइन नहीं है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आप लोगों के इतने सारे कमेंट आए थे मैंने पिछले वीडियो जो अपनी शॉप का डाला था ना, दुकान खुलने का, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई सारे लोगों ने दिया, बहुत अच्छा लगा, आप सारे दोस्तों का दिल से शुक्रिया। दोस्तों आज है बुधवार और अभी जस्ट मेरा काम स्टार्ट हुआ है, अभी सर को छोड़ के आ रहा और अभी जाना है ग्वारी घाट। और आज मैं आप लोगों को कटंगा फ्लाईओवर की पूरी अपडेट देता हूँ, काफी दिन हो गए, काफी काम भी हो गया है। तो अभी जा रहा हूँ मैं टिनटिन के सफारी खड़ी करूंगा और फिर उसके बाद वहाँ से उठाऊंगा दूसरी कार, फिर उसके बाद मैडम जी को लेके जाना है ग्वारी घाट। हर बुधवार को मैडम जी जाती हैं ग्वारी घाट गणेश मंदिर, और साहब मैडम लोग के साथ साथ मैं भी घूम लेता हूँ, मैं भी सब जगह के दर्शन कराता हूँ जाके। दोस्तों आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मेरी दुकान खुली है ना उसमें इतनी ज्यादा इनकम नहीं हो रही है, बहुत ही जल्द मैं एक दुकान और खोलने वाला हूँ, शायद उसमें इतनी इनकम तो हो जाए जितनी मैं ड्राइवर की जॉब में कमाता हूँ। अगर इतनी इनकम होने लगी उस दुकान में जो खुलने वाली है ना, तो लाइफ अच्छे से कट जाएगी। ये ड्राइविंग का काम छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन इच्छा नहीं होती और ना ही मैं छोड़ पाऊंगा। और रही बात दुकान में, दोस्त लोग बहुत सारे हैं, किसी को भी बैठा देंगे, सिखा देंगे कैसे क्या करना है, तो हमारे दोस्त भाई लोग भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, सबका भला है। भाई बहुत समस्या हो जाती, पहले एक गाड़ी निकालो, ये देखो एक गाड़ी और आ गई है, ये खड़ी है जो है ना, पहले इसको लगाओ फिर सफारी निकालो, एक के पीछे एक यहाँ पे खड़ी होती है, अभी इसको खड़ी करूंगा फिर उसको खड़ी करूंगा। तो भाई मजाक नहीं करते, इतनी सका के खड़ी करना पड़ता है ना, जब जाके दो गाड़ी आती है वैसी, साला चश्मा लगाए तो वैसी समझ में नहीं आता है, थोड़ी सी और जाएगी, चलो बस ठोक जाएगी। तो भाई एक गाड़ी खड़ी हो गई है, दूसरी भी खड़ी करते हैं। भाई मैंने पीछे तो देखा ही नहीं कितनी जगह है इसमें बची है, ये देखो ठीक है इतने गैप में, वैसे ज्यादा अंदाजा नहीं मिलता ना। चलो ये है छोटी गाड़ी, i10 है हुंडई की, अब इसको भी बहुत चिपका के खड़ी करना पड़ता है मुझे, नहीं तो फिर जो सामने से रोड से गाड़ी निकलती है ना वो नहीं निकल पाती। जा रही है, जा रही है, जा रही है, बस गाइस ठीक है ना। तो भाई चलो अब चलते हैं कटंगा, अब दूसरी गाड़ी निकालेंगे, वो भी कल मुझसे ठोक गई है, बताऊंगा आप लोगों को मालूम है। और इसका गैप दिखाऊं ना मैं पीछे का तो बताता हूँ, जी देखो ये इतने गैप में खड़ी हुई है ना, थोड़ा पीछे और कर सकता था लेकिन क्या है इतना सा अंदाजा नहीं मिलता, ठोक जाएगी। अब ये चाबी अभी देने जाएंगे बाद में, सीधे चलते हैं कटंगा। चलिए कटंगा से निकल गए गाड़ी उठा के, अब जाऊंगा मैडम को लेने और उसके बाद जाऊंगा ग्वारी घाट, मैडम जी को दर्शन करा दूंगा, मैं भी कर लूंगा, और फिर उसके बाद क्या काम है अपना, आप लोगों को फ्लाईओवर की अपडेट दूंगा दिन में, कुछ खामियां भी हैं फ्लाईओवर में वो भी बताऊंगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से, मैडम जी को ग्वारी घाट ले जाएं, दर्शन करा दें। तो मैं आ चुका हूँ टिनटिन के यहाँ, अब यहाँ से मुड़ जाऊंगा, मेरी दुकान वो दिख रही है राइट साइड में, देखो वो सांची पार्लर चिपचिप है ना, वो देखो देखी वो है। तो कस्टमर भी खड़े हैं हमारी दुकान में, कस्टमर तो बहुत सारे आते जाते हैं, बट जो प्रोडक्ट बेचते हैं हम लोग उनमें इनकम कम है। भाई चलो मैडम ने दर्शन कर लिए हैं, आ रही हैं, और ये गरीब जो बैठे रहते हैं ना, मतलब जब भी आती है ना इनको देके जाती हैं। तो अभी ग्वारी घाट का काम निपटा के आ गए हैं, मैडम जी को दर्शन करा के अब जा रहे हैं भैया को टिफिन देने। तो भाई मेरा ये टिफिन देने का काम रोज का है, रोज 1:30 बजे टिफिन देने जाता हूँ मैं, कभी इस रोड से जाता हूँ चौथा पुल वाली, कभी उस रोड से रसल चौक वाली, रसल चौक वाली रोड से इसलिए नहीं गया, कल रसल चौक में एक जन ने ना पीछे से कार ठोक दिया था, बम्पर निकल गया था, फेविक्विक से चिपका दिया मैंने, देखो फेविक्विक से जब तक चिपका है अभी तो सही लग रहा है, नहीं तो पहले पूरा उखड़ा उखड़ा लगता रहा। दोस्तों एक काम अभी खत्म भी नहीं हुआ है, दूसरा फोन आ गया मैडम को कहीं जाना है, 1:30 बज गया है, मेरा अभी 2 बजे लंच का टाइम है, नहीं जाऊंगा, मना कर दूंगा, बिजली बिल जमा करने जाना है मैंने चीज तो। अभी आजकल जबलपुर में इतनी ज्यादा भीड़ रहने लगी ना, बता नहीं सकता है, बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे गाड़ी चलाने में, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है जबलपुर में। ड्राइविंग करना है ना तो चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देख के चलाना भाई लोग, गाड़ी नहीं तो कोई भी ठोंक के चला जाएगा। कल मेरे साथ यही हुआ था, ध्यान कहीं और था, सामने वाले ने ब्रेक मारा, मैंने भी ब्रेक मारा लेकिन मैंने सामने वाले को बचा लिया, पीछे वाले ने मुझे ठोंक दिया, निकल भी गया। हो जा भाई ग्रीन हो जा, तो गाइस हो गया है ग्रीन, चलो वेट ही करते रहो इस सिग्नल का ग्रीन होने का। चलिए दोस्तों दो तीन काम निपटा लें फिर उसके बाद फ्लाईओवर की अपडेट देते हैं आप लोगों को, क्योंकि जबलपुर में इतनी भीड़ है ना कि एक हाथ से वीडियो बनाऊंगा ना तो कोई भी ठोंक देगा मुझे, ये देखो ना कितनी भीड़ है ये। तो दोस्तों काम तो मेरे सारे खत्म हो गए, कोचिंग का सबका काम निपटा दिया हूँ, और अब आप लोगों को देता हूँ कटंगा फ्लाईओवर की अपडेट, कितना काम हुआ है चलिए देखते हैं कटंगा फ्लाईओवर के क्या नजारे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग यहीं से नजर आ रहा है, अब तो ट्रक भी ऊपर जाने लगा है, वो तो एक ट्रक खड़ा है ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को। इस ब्रिज में कमी क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में, देखो ऊपर ट्रक खड़ा है दिख रहा है आपको वो, तो ये ऊपर जाने का रास्ता ऊपर से कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, और इस साइड का ये पूरा नीचे का ये इतना तक तो कंप्लीट हो गया है, ये दिखा रहा है मैं आप लोगों को, ये यहाँ तक का ये पूरा कंप्लीट हो गया है ना, नीचे ये गार्डन बनेगा यहाँ पे जैसा कि हमारे मदन महल फ्लाई ओवर में भी बनाएगा, और ये ऊपर देखो चौड़ा भी हो गया है थोड़ा सा, और इसकी चौड़ाई अभी भी मैं बता रहा हूँ कम है,
खटंगा चौराहे में भी काम इसलिए नहीं लगा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम हो जाएगा। अगर गाइस ये बना दिया गया ना तो यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ का काम अगर चालू हुआ ना तो ट्रैफिक यहाँ पे इतना लग जाएगा कि किसी को आने जाने में अभी शाम को वैसी दिक्कत हो जाती है। गाइस मैं भी रोज फंसना पड़ता है, रोज इस चौराहे में फंसता हूँ, खटंगा चौराहे में। खटंगा चौराहे से थोड़ा सा आगे बढ़ गए सदर साइड और यहाँ से एक जो रोड जाती भंडारी हॉस्पिटल वाली ना, यहाँ से एक रास्ता कट कर दिया है आने जाने के लिए, है ना। अगर यहाँ से रास्ता कट नहीं करते ना तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। तो ये अब जा रहे हैं सदर साइड और यहाँ भी ये चौड़े होने का काम चल रहा है। ये देखो अंदर पूरा सामान वन पूरा अंदर लगा है और इस साइड का भी काम जितना उस साइड हुआ ना इस साइड का भी उतना ही हो गया। बैरिकेड के चक्कर में तो दिख ही नहीं रहा। तो ये ऊपर देख लो चौड़ाई का काम चल रहा है, जो चौड़ा होता है ना वो चल रहा है। देखो ये यहाँ तक एंड, अब यू टर्न ले लें जरा यहीं से, आगे सदर वाली रोड चले जाती है। तो गाइस ये देखो ये दूसरे साइड से आ गए हैं, है ना, ये दूसरे साइड का नजारा है। अब जा रहे हैं खटंगा साइड वापस, तो मतलब दोनों साइड एक ही प्रकार का काम चल रहा है। तब भाई सब आराम से काम कर रही है पूरी लेबर। देखो यहाँ पे तो वायर आयर खींचने का काम, वायर बोले तो राड डली है। तो इस फ्लाईओवर की मैं आप लोगों को कमी बताऊँ ना तो चौड़ाई में बहुत कम है। ऊपर से अगर दो गाड़ी निकलती है तो तीसरी नहीं निकल पाएगी क्योंकि टू लेन ब्रिज है, ये फोर लेन नहीं है। मेरे ख्याल से दोस्तों इसी साल के एंड में ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इतना ही काम हुआ खटंगा फ्लाईओवर का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय हिंद।